भारत यात्रा ने बदल दिया सिंधिया का मन, भाजपा को ठोकर मार लौट आया कांग्रेस का सिर, वीडियो हो रहा वायरल। बता दें 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 21 अक्टूबर को कर्नाटक पहुंची। इस यात्रा को लेकर अलग अलग हैशटैग के साथ तमाम तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि केंद्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस यात्रा से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने बीजेपी छोड़कर दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ऐसा कहने वाले लोग सबूत के तौर पर सिंधिया के भाषण का एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमे वो बीजेपी की जमकर आलोचना करते दिख रहे हैं। वीडियो की हेडलाइन है, भारत यात्रा ने बदल दिया सिंधिया का मन, भाजपा को ठोकर मार लौट आया कांग्रेस का सिर। नीचे ब्रेकिंग न्यूज भी लिखा है, वही साथ में लिखा है, लौटते ही मोदी की उड़ा दी धज्जियां। आपको बता दें वीडियो किसी सभा का लग रहा है। 8 मिनट 27 सेकंड के इस वीडियो में सिंधिया बीजेपी सरकार के खिलाफ काफी तीखी बातें कहते दिखते हैं। जैसे 4 वर्षों में जहां एक तरफ मेरा किसान, मेरा नौजवान, मेरी महिला पस्त हो चुकी है, वहीं ये भाजपा के मंत्री संतरी तंत्री पूरी तरह से मस्त हो चुके हैं। जिस भारत की बात ये करते हैं, जिन अच्छे दिनों की बात करते हैं, जो नए इंडिया की बात करते हैं, जहां भाई भाई के बीच में भाईचारे के विपरीत द्वेष भावना अर्जित कराने की कोशिश करते हैं, जहां सरकार स्वयं रक्षक के बदले में भक्षक बन जाता है और किसानों की छातियों के ऊपर गोली चलाई जाती है, एक ऐसा भारत, एक नया इंडिया जहां महिलाओं के ऊपर दिन दहाड़े बलात्कार किया जाता है, बड़े बड़े उद्योगपति भारत की पूंजी लेकर इस सरकार के संरक्षण में फरार हो जाते हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए फेसबुक यूजर ने लिखा, भारत यात्रा ने बदल दिया सिंधिया का मन, भाजपा को ठोकर मार लौट आया कांग्रेस का रणधीर। खबर लिखे जाने तक इस पोस्ट को तकरीबन 3 लाख देख चुके हैं। इंडिया टुडे फैक्ट ने पाया कि सिंधिया के जिस भाषण का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो 4 साल पुराना है। ये भाषण उन्होंने साल 2018 में कांग्रेस के 84वें महाधिवेशन में दिया था। सिंधिया के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की बात पूरी तरह से गलत है। खबर लिखे जाने तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। फिलहाल इस मामले में आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए सरोकार इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले। सरोकार इंडिया न्यूज डेस्क।